इस प्रश्न को देखो बच्चों, ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो सबसे पहले आपको यहां क्या देखना है बच्चों कि इस दोनों में जो रिलेशन है, फिर इस दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इस दोनों में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस दोनों में रिलेशन पकड़ना होगा और जो रिलेशन आपने पकड़ा वही रिलेशन इसमें अप्लाई करना होगा और वही रिलेशन आप इसमें अप्लाई करके आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो दोनों में वेरीफाई होना चाहिए, राइट? तो आपको ब्रेन लगाना होता है ना, कि ये जो दो नंबर है 14 चार से कैसे आ सकता है या 14 से चार पे कैसे आ सकते हो, किसी भी तरह, या तो इधर से इधर सोच सकते हो या इधर से इधर, किसी भी तरीके से सोचो, लेकिन सोचना पड़ेगा बच्चों और खुद से सोचना पड़ेगा। माइनस करो, गुना करो, प्लस करो, भाग करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन सोचना पड़ेगा, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, जैसे 4 से 14 हुआ तो कैसे पहुँच सकते हैं, बहुत तरीका है। कोई कहेंगे 10 जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ देंगे तो 14 तो आ ही गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी तो वही रिलेशन फॉलो करना होगा, 6 में 10 जोड़िए 16, कहाँ पहुँचे 18 पे, इसका मतलब कुछ और सोचना है। ऐसे ही सोचना सीखिए आप बच्चों। ये 4 से 14 कैसे पहुंचा है, 4 का दोगुना करो, 4 दुनी कितना होता है 8, और 8 में 6 जोड़िए 14, मिल गया। हमने क्या किया, इसमें दो गुना करके 6 जोड़ा है, क्या यहां भी वही काम करने से मिल रहा है रिलेशन? 6 का दोगुना करिए, 6 का दोगुना हो गया 12, 12 में 6 जोड़िए 18, बिल्कुल सही तो है, मतलब पकड़ लिए। इसका मतलब यहां कौन सा वैल्यू होगा, यहां वही वैल्यू होगा जिसका दोगुना करके 6 जोड़ा जाएगा। तो इसमें 6 घटा दीजिए तो 16, किसको दोगुना करने से 16 होगा, दैट इज 8, यानी यहां आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 8, सही है। 8 का दोगुना 16, 16 प्लस 6 22, यानी रिलेशन क्या था, गुणा 2 प्लस 6, गुणा 2 प्लस 6, गुणा 2 प्लस 6, यही रिलेशन था, गुणा 2 प्लस 6, गुणा 2 प्लस 6, गुणा 2 प्लस 6, यही तो पकड़ना होता है बच्चों, यही है जादू, है ना, रीजनिंग का। अब इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न क्या कर रहा है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक दीवार पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे, पी क्यू के बाई ओर ठीक बगल में बैठा है, चलो बैठा देते हैं, पी क्यू के बाई ओर, पी क्यू के बाई ओर ठीक बगल में, बिल्कुल सही है बच्चों। आगे पढ़ो, आर क्यू के दाई ओर ठीक बगल में, R Q के दाई ओर, तो Q के दाई ओर R ठीक बैठ गया। केवल S R और T के बीच में, R और T के बीच में केवल S होना चाहिए, तो R और T, T इधर यदि लाएंगे तो उसके बीच में तो दो ऑलरेडी हो चुका है, जबकि कह रहा है सिर्फ एक बैठना चाहिए, यानी कंफर्म हो गया कि S इधर होगा। R और S कहाँ है, तो S R और T के बीच में है, एस कहाँ, थोड़ा ज़्यादा दूर चलेगा, अच्छा कोई बात नहीं, एस कहाँ है, आर और टी के बीच में, बिल्कुल सही है। यू टी के दाई ओर है, यू कहाँ है बच्चों, यू कह रहा है टी के दाई ओर, टी के दाई ओर यू आ गया, राइट। और अब तो हो गया सारा, कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही तो है। पूछ क्या रहा है, पूछा है क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है, क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है, आर कहाँ है, सी, आंसर क्या हो गया बच्चों, सी। बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। चलो इस सवाल को देखो, ये डाइस का सवाल है, आपसे क्या पूछा है, पूछा है 9 दर्शाने वाले फलक, फलक मतलब सरफेस, उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अक्सर यही पूछता है ना, इसमें 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो शायद बेहतर और समझ पाओगे, लेकिन ये जो है बहुत ही ईजी और बहुत आसान सवाल है। आपसे पूछा है 9 का अपोजिट बताओ, तो सबसे पहले एक बात जो यहां सिखाएंगे आप उसी बात को फिलहाल याद रखना, 9 का अपोजिट पूछा है, तो जिसका अपोजिट पूछे उसको छोड़ के जो बचा, उसको छोड़ के बचा 7 और 11। आप देखो तो जो बचा 7 और 11, क्या दूसरे डाइस में भी 7 और 11 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहां भी 7 और 11। तो बच्चों नियम कहता है कि जब दो सरफेस कॉमन हो, जब दो डाइस का दो व्यू दिखाई दिया जाए, एक ही डाइस है उस डाइस के दो व्यू दिखाई दे रहे, दो दो तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से यदि दो सरफेस कॉमन आ जाए, दो सरफेस क्या हो, कॉमन हो, तो जो रेस्ट तीसरा बचा, एक डाइस का जब भी एक व्यू दिखाई पड़ेगा तो उसमें 3 सरफेस कॉमन रहते हैं, सॉरी 3 सरफेस एक साथ दिखाई पड़ते हैं, ऐसे रहते 6 हैं लेकिन दिखता कितना है बच्चों, 3 दिखता है, हमेशा 3 दिखाई पड़ेगा, राइट। तो उस 3 में यदि दो सरफेस दोनों में कॉमन हो गया,
तो जो रेस्ट तीसरा बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जैसे सात और ग्यारह इसमें भी, सात और ग्यारह इसमें भी, तो जो रेस्ट बचा नौ और यहां रेस्ट बचा नौ, नौ और दस एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। यह बात याद रखिएगा कि जब भी दो सरफेस कॉमन हो तो जो रेस्ट बचा वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो नौ का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, दस। आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अगला ये सवाल देखो क्या कर रहा है, एकदम फेमस है, रीजनिंग का पूछता ही रहता है बच्चों। प्लस को माइनस कह दिया, माइनस को आपको भाग समझना है, भाग को आपको गुणा समझना है, गुणा का अर्थ आपको प्लस समझना है, तो बताओ इसका मीनिंग यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। इन्हें की सीधे इसी को सॉल्व करने लगना है ना, चेंज करना है। तो देखो बच्चों 117 है, माइनस को क्या समझना है, माइनस का अर्थ कह रहा है भागा, भागा 13। भागा का अर्थ क्या है, देखो भागा का अर्थ कह रहा है गुणा, दैट इज 6। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ कह रहा है माइनस यानी माइनस 24। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ कह रहा है प्लस, प्लस 26। बच्चों इसको सॉल्व कर दो बस, 13 से 9 बार में कट गया, 9 गुना 6 माइनस 24 प्लस 26 है ना बच्चों, ये 24 में 26 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 छके 54, 54 प्लस 2 56 है क्या बच्चों, सी नंबर आंसर होना चाहिए, बस सिंपल। और बच्चों इस सवाल को देखो ये क्या कर रहा है, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिख रहा है ना बच्चों। अकाउंट का कोडिंग ये किया, फिर इसका कोडिंग ये किया, तो आपको पकड़ना है कि आखिर किस तरीके से कोडिंग किया, इसका कोडिंग आखिर हुआ कैसे। तो जरा रूल पकड़ने की कोशिश करो, देखो बच्चों कैसे कोडिंग हो रखा है। आप देखो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को यदि आपको बनाना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू एकदम अटस्ट करना होगा हर हाल में, है ना। तो चलो देखते हैं, यहाँ से यहाँ कोडिंग में प्लेस वैल्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए का प्लेस वैल्यू कितना है बच्चों, एक होता है। सी का कितना होता है, तीन होता है, फिर सी का तीन ही हो जाएगा। ओ का बच्चों कितना होता है, 15 होता है। U का कितना होता है, 21 होता है। N का 14 होता है और T का 20 होता है, राइट बच्चों। अब यहाँ जो कोडिंग बन के तैयार हो गया उसका भी प्लेस वैल्यू जरा लिखो, तो क्या रहा है, आप E का जानते हो 5 होता है, B का 2 होता है, G का 7 होता है, N का 14 होता है, Y का बच्चों 25 होता है, और M का 13 होता है, और X का 24 होता है। देखो बच्चों क्या कोडिंग हो रखा है यहाँ, देखा जाए यहाँ, देखो चार जुटा, यहाँ एक घटा, चार जुटा एक घटा, चार जुटा एक घटा, चार जुटा, क्या दिखा आपको, एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 1, प्लस 4 माइनस 1, प्लस 4 माइनस 1। वेरीफाई करना है तो यहाँ भी वेरीफाई कर लो कि क्या सच में वही नियम से चल रहा है क्या, वेरीफाई तो करना जरूरी है। देखो M का 13, Q का 17, 13 से 17 हुआ, चार बढ़ना चाहिए, पहले तो चार ही बढ़ा है ना, चार बढ़ा यहाँ भी, अब अगले में एक माइनस होना चाहिए, जरा चेक करो तो ए का एक होता है, ए से जैसे ही माइनस होंगे फिर कहाँ आ जाएंगे, जेड पे, ये सर्कल चलता है बच्चों, ए के बाद फिर कहाँ वापस आ जाते हैं, जेड पे, फिर ऐसे सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि क्या कोडिंग है, एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 1, बस अप्लाई करो यहाँ भी। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, राइट। 16 में चार जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 मतलब टी, 20, 20 मतलब टी, टी देखो तो सभी में है, पहला लीटर सभी का टी है, एक भी ऑप्शन नहीं छटा। अगला लीटर पकड़ो ए, ए से जैसे ही एक घटेंगे, चार जोड़े अब अगला एक घटना है, तो ए में एक घटेंगे तो जेड पर आ जाओगे, तो टी के बाद जेड होना चाहिए, टी के बाद यहाँ बी है नहीं हो सकता, टी के बाद बी है नहीं हो सकता, टी के बाद जेड होना चाहिए, राइट बच्चों। अब देखो जो कॉमन चीज है वहां तक अब रूल पकड़ने की जरूरत नहीं है, इस दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, टी जेड एक्स, टी जेड एक्स, फिर एस आई, एस, एस के बाद यहां देखो चेंज हो गया, एस के बाद आई है और एस के बाद यहां क्या है बच्चों, जे है, तो अब आपको एस के बाद वाला लेटर ही पकड़ना चाहिए। तो एस के बाद आखिर क्या परिवर्तन होगा, तो पहला 4 प्लस यहां माइनस 1, ये 4 प्लस माइनस 1, फिर आगे क्या होगा बच्चों, 4 प्लस, तो आई कैसे आना चाहिए, 4 प्लस करके, तो आई का कोडिंग 1 2 3 4 पांचवा लीटर, 1 2 3 4 पांचवा लीटर में क्या परिवर्तन होना चाहिए, 4 प्लस, है ना बच्चों। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे 4 प्लस 1 माइनस, 4 प्लस 1 माइनस, 4 प्लस, तो ई में जैसे ही चार जोड़ेंगे, ई मतलब 5, 5 में चार जोड़िए क्या हो जाएगा, 9, 9 मतलब आई, तो एस के बाद आई होना चाहिए, यानी कंफर्म आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, राइट। इसी तरीके से बच्चों प्लेस वैल्यू को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप सवाल को बना पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है,
सात व्यक्ति एफ एच के जी जे डी और एल एक्स सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जे के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एच जी और जे के बीच में बैठा है। तो चलिए यहाँ से बच्चों पकड़ना शुरू करते हैं। एच जो है वो कहाँ बैठा है? तो जी और जे के बीच। एच बैठा है जी और जे के बीच। तो बच्चों जी इधर भी आ सकता है, जी इधर भी जा सकता है, ये तो कन्फर्म नहीं है अभी ये किधर जाएगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ जी रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? जी। एच जी और जे के बीच में, एच जी और जे के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही है। फिर आगे देखो क्या कहता है। के जे और एल के बीच में बैठा है। के जे और एल के बीच में, जे और एल के बीच में कौन बैठा है बच्चों? के बैठा है, राइट। के जे और एल के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही है, मैंने बैठा दिया। अब क्या कहता है? एफ जी और डी के बीच में बैठा है। एफ एफ जी और डी के बीच में, एफ जो बैठा है वो जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में बैठा है। ऐसा क्या हो सकता है बच्चों? एक सेकंड रुक जाना बच्चों। एफ कहाँ है? जी और डी के बीच में। जी और डी के बीच में किसको बैठा देना? एफ। बैठ गया, एफ जी और डी के बीच में बैठा है। अब आपको तो लगा कि मैं सभी चीज बैठा दी, लेकिन ऊपर की दो बात को जरा वेरीफाई करने की कोशिश करो जिसको मैंने छोड़ा था। ऊपर में देखो क्या कर रहा था बच्चों, जी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो चुका है। और गलत होने का संभावना कहां से पैदा हुआ? यहां से, यहीं से पैदा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा था एच जी और जे के बीच में बैठा है। एच जी और जे के बीच में बैठा है, इसका मतलब जी इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, हमें तो नहीं पता था कि वो किधर जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको फुलफिल किया तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन जो है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा संतुष्ट नहीं हुआ, सारा इंफॉर्मेशन संतुष्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब यहां से हमें डिसीजन लेना है कि जी को उधर डालना है और जे को इधर डालना है। तो चलिए ये वाला अरेंजमेंट लेके हम लोग बनाते हैं सवाल को। एच तो बीच में ही रहेगा, यहां जे हो जाएगा और यहां जी हो जाएगा। अब जरा फुलफिल करो। कहता है जे के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति। आगे पढ़ते हैं इस इंफॉर्मेशन के बाद। के जे और एल के बीच में बैठा है। के जे और एल के बीच में, जे और एल के बीच में कौन बैठा है? के बैठा है, बिल्कुल सही है। फिर आगे एफ जी और डी के बीच में बैठा है। एफ जी और डी के बीच में बैठा है, यानी एफ यहां आ जाएगा। अब जरा देखो ऊपर का लाइन सेटिस्फाई हो रहा है। कहा जी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति, जी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति, बिल्कुल सही। और बच्चों क्या कहा था? जे के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति, जे के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम लोग आंसर देने के लिए तैयार। पंक्ति के दाईं छोर पर कौन बैठा है? पंक्ति के दाईं छोर पर कौन बैठा है? डी, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, ये डिक्शनरी का प्रश्न है, ठीक है। तो डिक्शनरी में आप जानते हैं कि लेटर को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, आपको पता है? नहीं पता है तो सीखिए। डिक्शनरी में एक सीक्वेंस में वर्ड को रखा जाता है जिससे कि किसी भी वर्ड को ढूंढ पाना आसान है। यदि रैंडमली जैसे तैसे वर्ड को सजा दे तो क्या डिक्शनरी में वर्ड खोजना आसान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों जो सीक्वेंस में, सीक्वेंस कैसे? तो पहले ए वाला लेटर, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो वही अरेंजमेंट आपको यहाँ पे ढूंढना और बताना है कि जब ये कितने लेटर दिए हैं, पांच वर्ड है, पांचों वर्ड को डिक्शनरी में जैसे सजाया जाएगा उस तरीके से सजाएंगे तो कौन पहले, फिर कौन उसके बाद, फिर कौन उसके बाद आएगा। तो जरा गौर करिए। तो बच्चों देखा जाए तो सभी में ई एल ई एल ई एल कॉमन है। गौर करो पांचों लेटर पे, वर्ड पे, क्या सभी में ई एल ई एल ई एल ई एल ई एल सेम है या नहीं? बिल्कुल है। तो सेम से तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कौन पहले आएगा कौन बाद जाएगा। तो उसके बाद वाला लेटर को गौर करो। उसके बाद वाले लेटर को गौर करते हो तो देखो क्या मिल रहा है। तो ई एल के बाद यहाँ ई है, यहाँ ए है, तो पहले तो ए वाला आएगा, पहले ए आएगा तभी तो ई आएगा, इसका मतलब ई वाला नहीं जाएगा। तो ए वाले पे गौर करो, ई एल के बाद ए होना चाहिए। ई एल के बाद ए इसमें भी है और ई एल के बाद ए इसमें भी। अच्छा ई एल ई एल नहीं बच्चों, एक में ई एम भी है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया था। एक में देखो क्या है, ई एम भी है, तो एल के बाद ही तो एम होगा ना।
तो निश्चित रूप से पहले तो ई एल वाला वर्ड आएगा, ई एल के बाद एल के बाद एम आता है ना, तो पहले एल तब एम आएगा। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं अभी फिलहाल, वो पहले नंबर पर तो आ ही नहीं सकता है। तो पहले नंबर पर देखा जाए ई एल ई एल ई एल ई एल, इन चारों में कॉमन था, तो ई एल के बाद देखना जो कॉमन हो जाए उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन आगे कौन पीछे। तो उसके बाद वाले लेटर पे गौर करो, तो ई एल के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, तो ई एल के बाद मैंने गौर किया तो यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो कहीं ई दिख रहा है कहीं ए दिख रहा है। तो बताओ पहले ई आएगा कि पहले ए आएगा, तो आप कहेंगे पहले ए आएगा। तो ये तय हो गया कि पहले ए वाला आएगा, तो ए वाला इसमें भी है और ए वाला इसमें भी है, यानी इसी दोनों में से कोई पहले आएगा। तो अब इसी दोनों में निर्णय लेना है कि अब इस दोनों में कौन पहले आने वाला है। तो बच्चों ए कॉमन, ए कॉमन, अब ए के बाद डिफरेंट हो रहा है, तो डिफरेंट वाले में जाना है, कॉमन तक से पता नहीं चलता है कौन आगे कौन पीछे। अब आगे जैसे गए तो यहां देखो बी है और यहां क्या है, एस है। बताओ पहले बी कि पहले एस, तो कहेंगे पहले बी। कंफर्म हो गया कि सबसे पहले शुरुआत किससे होनी चाहिए, तीन से, तो सी भी कट गया, बी भी कट गया, हमारे पास ऑप्शन बचा तीन और ये वाला, ए और बी। अब इस दोनों में देखो तीन शुरुआत यहां भी है, तीन यहां भी शुरुआत, यहां भी चार है, यहां भी चार है। अब चार के बाद यहां वन है और यहां चार के बाद पांच है। बस आपको निर्णय लेना है कि चार के बाद एक होगा कि चार के बाद पांच होगा। चार और पांच में जरा आ जाओ, चार कहां है बच्चों, चार देखा जाए तो चार 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 हमारा कौन सा था, चार ये है, ठीक है इस दोनों में। अच्छा ये तो तय है बच्चों कि तीन के बाद चार आना ही आना है, ये तो सीक्वेंस सही है, तीन के बाद चार। अब हमें देखना है कि उसके बाद एक आएगा उसके बाद पांच आएगा, उसके बाद एक आएगा उसके बाद पांच आएगा। एक को गौर करो, ये एक है तुम्हारा और पांच वाला ये। इस दोनों में देखो तो पहले कौन आएगा, ई एल ई ई एल ई दोनों में कॉमन है, तीन तीन लेटर कॉमन दिख रहा है दोनों में। उसके बाद का लेटर गौर करो, यहाँ जी है और यहाँ पी है, बताओ पहले जी होगा कि पहले पी होगा, पहले जी होगा। ये तय हो गया उसके बाद एक आएगा तब आएगा बच्चों पांच, तो पहले एक का नंबर आना चाहिए। तो चार के बाद कौन सा आना चाहिए, एक नंबर, यानी यही सब उत्तर कंफर्म हो रहा है हमारा, ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों डिक्शनरी के लेटर को आपको सजाना होता है, राइट। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो क्या है, ये नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन है बच्चों। देखा जाए तो ये 23 सभी में कॉमन और जो ऑप्शन दिया है वहां भी 23 कॉमन है। ये तय हो गया कि 23 तो सब में आने वाला है। अब उसके बाद का गौर करो बच्चों, ये 629 है, 629 है, 629 से 593 कैसे आया, 593 कैसे आया, जरा घटा के देखो तो कितना आ रहा है, 9 में 3 के 6 वही है बच्चों 36। यानी यहां से यहां कैसे आए 36, जरा एक बार गौर करना है, यहां से यहां कैसे आए, तो 593 से आप यहां पे क्या रहे हैं 568, देखो तो क्या हो रहा है परिवर्तन, तो 13 में 8 गया 5 और 8 में 6 गया 2 25। यहां से एक क्लू मिला कि एक बार 36 घटा एक बार 25 माइनस हुआ, मतलब बच्चों एक बार 6 का स्क्वायर एक बार 5 का स्क्वायर, तो अगला होना चाहिए 4 का स्क्वायर। यहीं से एक पैटर्न मिला, यहां 6 का स्क्वायर यहां 5 का स्क्वायर यहां 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यहां 4 का स्क्वायर फिर यहां 3 का स्क्वायर और यहां 1 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों आगे रूल फॉलो नहीं किया गया, यहाँ 6 यहाँ 5 तो यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2, हाँ तो 2 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर यानी 4, देख लो इस दोनों में 4 का अंतर है, यानी पूरी तरह से पैटर्न हम लोग पकड़ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ कितना घटा 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना 5 का स्क्वायर, अब कितना घटेगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इसमें घटा दो, यानी 23,568 में 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस करो 8 में 6 गया 2 5 5 और ये 23,552 यानी आंसर कौन सा होना चाहिए सी नंबर। ऐसे बच्चों अपने स्मार्ट माइंड से आप क्या करो, कोशिश करो पकड़ने का, राइट। चलो अगला क्वेश्चन इसको देखा जाए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पकड़ना है आखिर कौन सा इसके बाद होना चाहिए। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों 6, डी का कितना होता है 4, जे का कितना होता है 10, बी का कितना होता है 2, एन का कितना होता है 14 और जेड का कितना होता है 26 और उसके बाद पार्ट। जरा देखा जाए तो आप यहां से भी पकड़ सकते हो, देखो अल्टरनेट में भी चलो 6 4 6 4, छः चार 10, 10 चार 14, तो 14 चार 28, 4 4 और जोड़, अल्टरनेट जब नंबर सोचे तो ऐसा लग रहा है ना 4 4 4 4 जुटता जा रहा है, तो 14 के बाद तो वाट वाला ही पकड़ा रहा है, 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डी का यानी आर का, आंसर हो गया